हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इडियम। जी हाँ, ये मैं दावा कर सकता हूँ जो मैं इडियम सिखा रहा हूँ कहीं आपको सीखने को नहीं मिलेगा। 5 वीडियो इडियम पर बन चुकी हैं, वीडियो देखते ही इडियम लर्न। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे आसान ट्रिक है जो आज आप सीखने जा रहे हो। जैसे जैसे मैं रीड करूंगा इडियम को, आपको इडियम लर्न हो जाएगा। वैसे जनरली तौर पर देखा जाए तो इडियम लर्न करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक लिटरेरिकल वर्डिंग इसमें यूज होती है, साहित्य का एक अर्थ इनमें छिपा हुआ होता है। अगर हम वर्ड टू वर्ड हिंदी करेंगे तो हमें समझ में नहीं आना उसके अंदर जो मीनिंग छिपा होता है। सो ज़्यादा टाइम आपको पता है वेस्ट ही नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आ जाएंगे। आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये आसान है, दुनिया की सबसे आसान ट्रिक आज आप सीखने जा रहे हो। एडीएम ये एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये आ ही जाते हैं और ये चुटकी बजाते ही लर्न हो जाते हैं और ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे आप, ये मेरा दावा है। चलो जी, पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए जी, इडियम अगर आपके आ जाए, ए डॉग इन मैंजर पॉलिसी। ए डॉग इन मैंजर पॉलिसी कैसे होगा, पहले मीनिंग देख लेते हैं। जो न खुद खाए और न ही औरों को खाने दे। नॉट टू लेट अदर टेक द बेनिफिट ऑफ व्हाट इज यूजलेस फॉर oneself। उसके लिए वो कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन वो बेनिफिट उसका ना खुद उठाता है ना दूसरों को उठाने देता है, उसको कहते हैं ए डॉग इन मैंजर पॉलिसी। देखिए इस बात को कैसे रिलेट करेंगे कि ये मीनिंग और ये मीनिंग हमारा क्लियर समझ में आ जाए, तो इसके पीछे होती है हमारी एक स्टोरी। ट्रिक स्टोरी ही हमारी ट्रिक है। तो एक डॉग कुत्ता मैंजर में बैठ जाता है, मैंजर गाय या भैंस की वो चारा खाने की जगह, उसे खोर भी कह देते हैं, मांद भी कह देते हैं, मैंजर भी कहते हैं इंग्लिश में। सो और हरियाणवी में उसे गमैण कहते हैं। वो खोर में गमैण में डॉग कुत्ता बैठ जाए और ना तो वो चारा भैंस को या गाय को खाने दे और खुद तो वो खा ही नहीं सकता उसको, तो ए डॉग इन मैंजर पॉलिसी। एक खोर में मांद में उसकी क्या पॉलिसी रहती है डॉग की, वो भैंस पर भौंकता है, ना खुद खाता है ना भैंस को खाने देता है। वहां से मीनिंग क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम आपके सामने, टू मेक हे व्हाइल द सन शाइन इज, मौके का भरपूर फायदा उठाना। टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द, हाँ जी हाँ, अपॉर्चुनिटी आप बोलेंगे इसे। वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन ऑप्टूनिटी होता है, ऑप्टूनिटी बिल्कुल अलग मीनिंग है, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ऑप्टूनिटी है। स्पोकन पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, स्पोकन की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ अगर आप अपना स्पोकन सुधारना चाहते हैं तो ऐसी वर्डिंग जिनको बिल्कुल डिफरेंट 99.9% जिसको गलत बोला जाता है वो सही कर लीजिए जी। मोस्टली इस गलत बोलते हैं, आप सीख लीजिए अच्छे वाला, ब्रिटिश इंग्लिश बढ़िया इंग्लिश होती है, अपॉर्चुनिटी। और दूसरा जो इडियम बनता है इसका, वो बनता है स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक कर दीजिए, प्रहार कर दीजिए आयरन पर, लोहे पर, आयरन पर जब वो गर्म होता है, यानी कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। जी हाँ, आसान है ये चीज समझनी। तो ये कैसे रिलेट होगा, हे होती है सूखी घास और सनशाइन सूर्य की धूप हो गई, तो हे सूखा चारा, सूखी घास इकट्ठी करनी है, स्टोर करनी है, लेकिन गिल्ली है वो, मौके का फायदा कब उठाएं, जब सन शाइनिज हो,
सूर्य है जो चमकता है इनके धूप निकली हुई है तब उसको सुखा ले और तब स्टोर करे देखो। मेक हे वाइल्ड द सन शाइन इज मौके का भरपूर फायदा उठा लीजिए धूप निकली हुई है। और दूसरा एडियम बनता है स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट दोनों इक्वल है लोहा गर्म है हथौड़ा मार दीजिए यानी के मौके का भरपूर फायदा उठा। नेक्स्ट लास्ट असहनीय बोझ अनबियरेबल बर्डन असहनीय बोझ हो गया कैसे समझेंगे लास्ट स्ट्रा को इसका मीनिंग कैसे समझ में आएगा। देखिए जी किसी चीज की कोई हद होती है अगर आप 100 केजी वजन उठा सकते हो बस आपकी हद वही है और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी एक ग्राम भी बोझ आपने उठाया क्या पता आपके लिए वो असहनीय बोझ हो जाए अनबियरेबल बर्डन हो जाए और आप उसके बाद गिर पड़े उठा ना पाए। एक कुम्हार की स्टोरी से बढ़ते हैं। कुम्हार था एक गधा था वो अपने पास गधा रखता था वो ईंटे ढो रहा था उससे मान लीजिए उसने 100 ईंटे उस पर लादी हुई थी उसको लालच आ गया 2-4 ईंटे और ला उसने एक्स्ट्रा ईंटे उसमें डाल ली और लेके चला बेचारा कुछ कदम ही चला था गिर गया फिर उठ ना सका। उस गधे के लिए वो ईंट जो एक्स्ट्रा थी वो क्या बन गई लास्ट स्ट्रा हो गया आखिरी स्ट्रा आखिरी तिनका भी बोझ बन जाता है। तो यहाँ से समझ लेंगे लास्ट स्ट्रा असहनीय बोझ। Give and take, एक दूसरे की सहायता करना to help each other। कैसे समझेंगे बिल्कुल आसान है इसी में छिपा हुआ है give देना take लेना लेना और देना। पुराने जमाने में किसी के पास गेहूं होता था किसी के पास दाल होती थी दाल वाला गेहूं गेहूं वाला दाल आपस में एक्सचेंज कर लेते थे give and take की पॉलिसी अपनाते थे तो जी एक दूसरे की सहायता करते थे टू हेल्प ईच अदर। डन बिल्कुल आसान इजी है। एन आई फॉर एन आई बदला लेना टू टेक रिवेंज कैसे समझेंगे। अच्छा मुझे आंखें दिखा रहा है गुस्से में आंखें दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ बात होगी पिछली यानी के बदले की भावना से आंखें दिखा रहा है तो आसान है समझना आई एन आई फॉर आई आंख दिखाना थोड़ा गुस्से में बात होना और आंखें दिखा रहे हैं तो भाई कोई गुस्से की बात है वो बदले की बात है तो रिवेंज है बदला लेना इसलिए तो आंखें दिखा रहे हैं आसान हो जाएगा इसे समझना। इनफ एंड टू स्पेयर ये भी मीनिंग इसी के अंदर छिपा हुआ है भाई इनफ है भाई काफी है पर्याप्त है और क्या है स्पेयर है फालतू की चीज पड़ी है पहले से ही ज्यादा है तो काफी पहले से ही ज्यादा तो एम्पल या प्लेंटी पहले से ही ज्यादा चीज है। नेक्स्ट है टू मेक हेड एंड टेल समझना टू अंडरस्टैंड होना। तो देखिए एक बड़ी अच्छी सी कहावत है अच्छी कहावत प्रचलन में है हमारे समाज में वो क्या है जो बात बिना सिर और पांव की होती है यहाँ टेल आ गया है लेकिन हम बोलते हैं बिना सिर और पांव की बात है ये यानी कि इसको समझ नहीं सकते ये समझ से बाहर की बात है लेकिन इसके तो मेक है इसके तो हेड भी है और टेल भी है मीन समझ में आने वाली बात है समझना अंडरस्टैंड करना ये तो अंडरस्टैंड हो जाएगी बात में आसान हो गया। नेक्स्ट है टू पुट ऑन बैक बर्नर काम को आगे टाल देना टू पोस्टपोन द मैटर पोस्टपोन बोलते हैं पोस्टपोन सही प्रोनंसिएशन क्या रहता है जो 99.9% स्टूडेंट गलत बोलते हैं आप सीख लीजिए आपका इंप्रेशन बढ़िया जाएगा इसको बोलते हैं पोस्टपोन। मैं भी इसको पोस्टपोन ही बोल देता हूँ वैसे तो आदत बनी हुई है लेकिन सही बिल्कुल अच्छे वाला प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप बोलना चाहते हो तो पर स्पॉन।
द मैटर। तो पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन कर दिया मैटर को, कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया है। टू पुट ऑन बैक बर्नर, कैसे समझें? दो बर्नर वाला स्टोव आता है, चार बर्नर वाला भी आता है। चार बर्नर वाले स्टोव की बात कर लेते हैं। जब हम दाल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो दाल बनाते वक्त जब थोड़ी सी बनने लग जाए तो हम बैक बर्नर पर उसको रख देते हैं कि आराम से पकती रहेगी, उसको पोस्टपोन कर देते हैं और रोटियां पकाने पर लग जाते हैं। सो हमने दाल बनाने को पोस्टपोन कर दिया, थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया, बाद में उसको संभाल लेंगे, इतने गर्म होती रहेगी, पकती रहेगी। टू मेक, सॉरी, टू पुट ऑन बैक बर्नर, बैक बर्नर पे पिछले वाले बर्नर पर रख दिया, यानी काम को आगे डाल देना, बाद में देखेंगे, अभी ये काम को कर लेते हैं, तो ऐसे समझ में आ जाएगा। टू रेस्ट ऑन वन्स लॉर, आराम की जिंदगी जीना, लॉरल से मीनिंग समझ लेंगे हम। लॉर, लॉरल एक पौधे की पत्तियां होती हैं जो किसी को सम्मान में, किसी की प्रशंसा में उन पत्तियों का हार पहनाया जाता है। कब? जब ओलंपिक में कोई खिलाड़ी कोई पदक जीतता है तब। और जब वो पदक जीत गया है, आपको अच्छे से पता है कि ओलंपिक में जो पदक जीतते हैं उनको अच्छा इनाम मिलता है, जिससे कि वो आराम की जिंदगी जी सकता है बिल्कुल अच्छे से, पूरी जिंदगी उसको कमाने की जरूरत नहीं, इतना पैसा मिलता है। सो टू रेस्ट ऑन वन्स लॉर, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप द लास्ट वन, टू बरी द हैचिट, टू बरी द हैचिट, झगड़ा खत्म करना या शांति बनाना, टू मेक पीस, कैसे समझेंगे? बड़ा ही आसान है। बरी दफना देना, किसको दफना देना? हैचिट को दफना देना। हैचिट कुल्हाड़ी होती है और पुराने जमाने का हथियार है, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, भाला, तो जी लड़ाई के लिए यूज होगा हथौड़ा, वही हमने क्या कर दिया, बरी कर दिया, दफना दिया, तो दफन कर दी वो चीज, यानी कि झगड़ा भी खत्म हो गया, इसलिए दफन कर दिया है, अब तो शांति ही बनानी है, तो मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। हैचिट को, कुल्हाड़ी को बरी कर दिया, दफना दिया, तो मीन झगड़ा खत्म हो गया है और शांति स्थापित हो गई है। सो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, अच्छे स्टूडेंट बनकर मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो, कमाल की चीज़ें, कमाल की ट्रिक, ऐसे मेथड आपके लिए मैं टाइम टू टाइम लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।